हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू तो हम जो आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा वीकली करेंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ ठीक है वी विल बी कवरिंग द फर्स्ट एंड फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ अप्रैल का करेंट अफेयर्स हम आज के क्लास में देखने वाले हैं ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग ई टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास तो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज देखने वाले हैं अप्रैल मंथ का ठीक है फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ अप्रैल इसके बाद हम जब भी हमारा नया करेंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे वीकली करेंट अफेयर्स तब हम वो डेज uh, के बारे में देखेंगे ठीक है सिंस वी आर कवरिंग द करेंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट टू सेवेंथ तो हम इसी डेज को देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस हम इसी डेज को देंगे ठीक है जी चलिए फर्स्ट ऑफ अप्रैल इट इज दर बी आई फाउंडेशन डेन अगेन वी हैव फर्स्ट ऑफ अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन डे उड़ीशा फाउंडेशन डे का मतलब ये है कि ओडिशा एक सेपरेट प्रोविंस बना था इन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1936 थर्टी सिक्स ठीक है नाइनटीन थर्टी सिक्स में उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बना था देन वी हैव अप्रैल फर्स्ट टू सेवेंथ ये पूरा वीक सेलिब्रेटेड एज अ प्रशन ऑफ ब्लाइंड ऑफ अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेरनेस डे नेक्स्ट वी हैव अप्रैल फोर्थ इज इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे माइंड अवेयरनेस डे का मतलब ये होता है कि उनका उसका कंजर्वेशन कैसे करें एंड कैसे एफेक्टिवली एंड सस्टेनेबली हम उसको यूज कर सकते हैं ऑल दिस थिंग डे इज सेलिब्रेटेड एज द अवेयरनेस नेक्स्ट वी हैव अप्रैल फिफ्थ विच इज नेशनल मेरी टाइम डे अप्रैल सिक्स नेशनल लाइब्रेरी डे एंड अप्रैल सेवेंथ वर्ल्ड हेल्थ डे ठीक है फर्स्ट टू सेवेंथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखा है चलिए फिर हम जैसे कि हमारा क्लास हमेशा स्टार्ट करते हैं हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे एंड देन स्टेटिक पोर्शन को भी देखने वाले हैं ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एमोंग इंस्टीट्यूशन कंप्लीटेड इट्स नाइनटी एथ जर्नी रिसेंटली आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ठीक है नाइनटी एथ एनिवर्सरी किसने कंप्लीट किया है नाइन्टी ईयर्स तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कंप्लीट किया है एंड आवर करेक्ट आंसर इज आर मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ऑफ़ अप्रैल हमने अभी देखा है जस्ट फर्स्ट अप्रैल को आर बी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो उसी दिन हमारे जो सेंट्रल बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट्स ईयर्स पूरे नाइन्टी ईयर्स कम्प्लीट किया है चलिए देखते हैं कब फॉर्मेशन हुआ था कब नेशनलाइज हुआ ऑल द स्टेटिक पोर्शन भी हम देख लेते चलिए नाउ वी हैव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईयर जर्नी कितने ईयर पूरे किए हैं नाइंटी ईयर्स पूरे किए ठीक है नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम अलग होता है ठीक है इन केस ऑफ इंडिया इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट नाइनटी ईयर्स किया है तो एस्टेब्लिश कब हुआ था ऑन फर्स्ट अप्रैल थर्टी फाइव को फर्स्ट अप्रैल में एस्टेब्लिश किया गया था एंड इसी साल उन्होंने 90 ईयर्स कंप्लीट किया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर एक्ट फॉर्म किया गया था इन प्रोविजंस ऑफ द आर एक्ट ऑफ 1934। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है नेक्स्ट देखिए सबसे पहले जब ये बैंक फॉर्म हुआ था आर बी आई देट वॉज वर्किंग एज अ लेकिन इस बैंक को नेशनलाइज कब किया गया द बैंक वॉज ने मतलब फुल एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्मेंट तो नाइनटीन फोर्टी नाइन को यह नेशनलाइज्ड हो गया बैंक ठीक है नाउ वी हैव देडक्वार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पर है इन मुंबई इनागुरल गवर्नर देखिए जब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ एस्टेब्लिश हुआ देन इट वाज द ईयर 1935 का मतलब इंडिपेंडेंस से पहले तो इनागुरल गवर्नर जो है इज द ब्रिटिशर सर ओसबॉर्न स्मिथ नाम याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक फॉरेनर uh, है बिकॉज दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस तो उसके जो इनागोरल गवर्नर है मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग जो गवर्नर है दैट इज सर ओसबोर्न अर्कल स्मिथ ठीक है फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आर के वो है सर सी डी देशमुख ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सभी को याद रखना है ठीक है नेक्स्ट वी हैव हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इज शक्तिकांता दास ठीक है सिंस इस साल 90 इयर्स कंप्लीट हो चुका है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दैट्स वाई हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन उन्होंने एक स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन इशू किया है कॉमेमोरेटिव कॉइन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा ठीक है इकोनॉमी में हम जैसे यूज करते हैं ना कुछ कॉइंस एक एक रूप रुपया दो रुपया दैन फाइव टेन अभी तो रिसेंटली ट्वेंटी रुपीज़ का भी कॉइन निकला है तो वैसे जो हम इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स को सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं दिस इज जस्ट अ डिनोमिनेशन जो कि किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया जाता है तो so, नाइन्टी रुपीज़ का डिनोमिनेशन बनाया गया ठीक है नाइन्टी रुपीज़ का डिनोमिनेशन बिकॉज़ आर बी आई हैज़ कम्प्लीटेड नाइन्टी ईयर्स ऑफ इट्स जर्नी किसने इशू किया था अब फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है ये सब बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ठीक है दिस इज द सुप्रीम एंड हेड ऑफ ऑल दी बैंक इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हो उन सबको हमें याद रखना है ठीक okay? तो है क्विक करते हैं कंप्लीटेड नाइनटी ईयर्स ठीक है फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव को फॉर्म हुआ था with the provisions ऑफ द RBI Act 1934. एक्ट नेशनलाइज कब हुआ 1949 फोर्टी नाइन हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुंबई पहला गवर्नर कौन थे सर ओसबोर्न आर्कल स्मिथ फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे सर सी डी देशमुख एंड अभी के जो गवर्नर है ही इज शक्तिकांता दास ठीक है चलिए नेक्स्ट वी हैव ये जी टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो रिसेंटली इंडिया को ओवर सिक्सटी प्रोडक्ट्स में जी टैग्स मिला है ठीक है ओवर सिक्सटी प्रोडक्ट्स में जी टैग्स मिला है तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है डेट इज अशरिकांडी टेराकोटा क्राफ्ट ऑट जी आई टैग फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया कौन से स्टेट में से अशरिकांडी टेराकोटा क्राफ्ट बिलोंग करता है जिसको रिसेंटली जी टैग मिला है यस वेरी गुड तो हमारा करेक्ट आंसर है असम ठीक है अशार्य टेरिकोटा क्राफ्ट ये क्या होता है दिस सम ऑफ टॉयज ठीक है टॉय जैसा कुछ बनाया होता है यहाँ पे एक पिक्चर भी है ऐसा कुछ आ, क्राफ्ट बनाया जाता है एंड दिस बिलोंग टू इंडिया ठीक है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हमने जीआई टैग्स के बारे में बहुत ही पहले डिस्कशन कर लिया है स्टिल जिनको ये नहीं पता है हम फिर से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ठीक है थीके? तो जी टैग का मतलब क्या होता है जी टैग का मतलब ये होता है दिस आर समोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब जिस जगह से ये जी टैग मिला है द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू दैट स्टेट ठीक है उसी स्टेट का होता है वो प्रोडक्ट एंड जिसको ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली uh, वहाँ पर कॉपी लगा सकते हैं ताकि कोई उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बना के उसको बेच ना सके सो दैट लोकल पीपल गेट द बेनिफिट जितना भी बेनिफिट हो सके लोकल पीपल जो भी बनाते हैं इसको दे कैन गेट द टोटल बेनिफिट ऑफ द ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है इन द अपकमिंग मार्केट्स तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बोला है ओवर सिक्सटी प्रोडक्ट शन टैक्सटी से भी ज्यादा प्रोडक्ट को इस बार इंडिया में जियोग्राफिकल टैग सॉरी जी आई टैक्स मिला है ठीक है जी आई टैक्स कौन इशू करता है नाउ दे आर इशूड एज पर दियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन इस एक्ट के अंदर जीआई टैग्स को इशू किया जाता है ठीक है इसको तो भी याद रखना है नाउ सबसे पहला इंडियन प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला था तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दार्जिलिंग टी को मिला था सबसे पहला जीआई टैग ठीक है टोटल जीआई टैग कितने मिल चुके हैं अब तक इंडिया को दैट इज सिक्स टोटल कितने जी टैग्स है ओवर 635 पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसको नॉर्थ ईस्ट से जिसको जीआई टैग मिल चुका है दैट इज मूगा सिल्क ठीक है जी नाउ टोटल जीआई टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम असम से कितने प्रोडक्ट्स है 32 अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं को रजिस्टर करना पड़ता है ठीक है जीआई टैग्स में एज अ इंडिकेशन टैग्स में नाम आने के लिए नाम को रजिस्टर करना पड़ता है प्रोडक्ट को ठीक है और इनमें से दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका जब उन्होंने रजिस्टर किया था उसके दस साल पूरे हो गए ठीक है दस साल पूरे हो गए तो उन्होंने अभी रिसेंट उन्होंने फिर से रजिस्टर करवाया है या नहीं है कि uh, किसी भी डेटा में प्रेजेंट नहीं है तो वी विल लुक दैट की थर्टी टू प्रोडक्ट्स अब तक जीआई आई प्रोडक्ट्स में असम के अंदर आ चुका है ठीक है इनमें से दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका एक्सपायर हो चुका है जिनका रजिस्ट्री एक्सपायर हो चुका है रिसेंटली नाइनटीन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम वॉट जी आई टैग्स ठीक है कितने प्रोडक्ट्स हैं नाइनटीन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है आसाम से जिनको जी आई टैग चुका है एंड उनमें से थर्टीन प्रोडक्ट्स बोरो कम्युनिटी का ही है ठीक है बोरो बोरो कम्युनिटी कम्युनिटी का ही है 13 कौन है प्रोडक्ट्स कौन दे आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन असम ये भी याद रखना है देखिए जब एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्री करते हैं तो दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इज गिवेन ठीक है ऐसा टाइप का सर्टिफिकेट प्रेजेंट होता है यहां पर जो भी प्रोडक्ट के लिए किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का पिक्चर होता है ठीक है एंड यहाँ पर नाम मेंशन होता है कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है वो प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स तो इस टाइप का सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जाता है ठीक है याद रखना है इस बार आसाम से नाइनटीन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जी टैग मिला है थर्टीन आर फ्रॉम बोडो कम्युनिटी ठीक है अब हम देखेंगे कि आसाम के कौन कौन से प्रोडक्ट को आई टैग मिल चुका है तो यहाँ पर हमने पूरा पिक्चर दिया है तो असम प्रोडक्ट सर असाम इस बिहू ढोल जापी सार्थेवाड़ी बेल मेटल क्राफ्ट देन वाटर हेयरसिन वाटर हेसिन को एस में पानी मेटे का भी बोला जाता है तो उससे कुछ क्राफ्ट्स बनाया जाता है दैट इज़ ऑल्सो हैव ऑल्सो रिसीव टैग के बाद मिसिंग हैंडलूम अशरिकांडी स्टेरिकोटा वर्क्स, जोथा, गगना पोरो गमछा सेजा हरद्वी टिपोंग हाम गंगार धुंजिया हरखा कैरादापिनी जुमगरा दोखना एरी सिल्क ठीक है ये टोटल नाइनटीन प्रोडक्ट्स है इनमें से थर्टीन प्रोडक्ट्स इज आर फ्रॉम कोरो कम्युनिटी ठीक है बोरो कम्युनिटी से बिलोंग करता है ये क्या है दिस इज सार्थेवाड़ी बेल मेटल क्राफ्ट ठीक है देन दिस आर सम ऑफ द मिसिंग हैंडलूम्स ये जापी हो गया हमारा ठीक है देन दिस इज दिस इज ये भी बोरो कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है ठीक है तो ऑल दिस थिंग्स दिस इज पानी मेते का दिस इज डखोना देन दिस इज पोरो गमछा ओके okay? ये हो गया हमारा अशरिकांडिस टेरिकॉटा वर्क तो ऑल दिस टाइप so ऑफ थिंग्स जो है इन सभी प्रोडक्ट्स को आसम में डीआईटैग मिला है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट वी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से त्रिपुरा एंड मेघालय को भी डी आई टैग मिला है ठीक है डीआईटैक्स मिला है तो so, त्रिपुरा से कौन कौन सा प्रोडक्ट है तो हम देखेंगे माताबाड़ी पेरा प्रसाद ठीक है माताबाड़ी पेरा प्रसाद एंड रिग्नाई पछरा टेक्सटाइल तो ये जो पेरा प्रसाद है वो त्रिपुरा का सुंदरी टेम्पल में किया जाता है ठीक है तो उस प्रसाद को भी जीआई टैग मिला है एंड रिग्नाई पछरा हम पिक्चर में देख सकते हैं दिस एंड दिस इनको त्रिपुरा से जीआई टैग मिला है ठीक है तो मेघालय से कौन से प्रोडक्ट्स को मिला है लेरनाई पॉटरी इस टाइप ऑफ पॉटरी ठीक है देन वी हैव गारो चुबिची चुबिची का मतलब एक टाइप ऑफ अनफिल्टर्ड राइस राइस वाटर से जो ड्रिंक बनाया जाता है दैट इज चुबिची एंड गारो डाकमांडा तो दिस टाइप ऑफ क्लोथ वोर्न बाय वीमेन तो इन सभी चीजों को मेघालय से जीआई टैग मिला है ठीक है असम से बहुत सारे हैं उन सबको याद रखना है त्रिपुरा एंड मेघालय से भी हमने नाम मेंशन कर दिया है तो ताकि हम सबको याद रह सके तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर दिया है ठीक है चलिए कमिंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट न्यूज दैट इज़ हु एमोंग दी ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई इन पेरिस ओलम्पिक्स पेरिस ओलंपिक्स जो कि होने वाला है समर पेरिस ओलंपिक्स तो वहां पर ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो उनका नाम क्या है इस ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर है डेट इज मीराबाई चानो ठीक है मीराबाई चानो है एंड शी इज द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है ठीक है Uh, इनका नाम याद रखना है उन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया है इन ग्रुप बी ऑफ दी फोर्टी 49 केजी एट दी आई मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में उन्होंने ग्रुप बी में थर्ड पोजीशन दिया है जो कि हुआ था फुकेट थाईलैंड में ठीक है एंड शी इज द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर ये भी याद रखना है नाउ मणिपुर की है हमारी मीराबाई चानू एंड शी रिसीव्ड टोक्यो ओलंपिक्स में उनको सिल्वर मेडल मिला था ठीक है शी इज अ सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स शी विल बी द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया फॉर वेट लिफ्टिंग ठीक है मीराबाई चानू का नाम याद रखना है नेक्स्ट वी है फर्स्ट वेमेन फ्रॉम इंडिया to serve as the jury member at the 2024 Summer Olympics in Paris. अभी हमने देखा कि only Indian weightlifter कौन है? विराबाई चानू, ठीक है? Now the only the first women from India, पहली women India से जो कि jury member बनने वाली है at the 2024 Summer Olympics in Paris. तो कौन है वो? इनका नाम मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दे दिया है इनका नाम है बिलकिस मीर ठीक है बिल्किस मीर गोइंग टू बी दी इज गोइंग टू बी द ज्यूरी मेंबर एंड द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया टू बी द सेम ठीक है ओके नाउ okay. uh, ये देखना है कि बिल्किस मीर ठीक है बिल्किस मीर का नाम हमने तो देख लिया कि वो ज्यूरी मेंबर बनने वाली है बिल्किस मीर शी इज़ फ्राम जम्मू एंड कश्मीर कहाँ से है वो फ्राम जम्मू एंड कश्मीर एंड वो कौन सा स्पोर्ट खेलती है ओबियसली अगर समर ओलंपिक्स का जी रिम्बर होने वाली है तो शी ऑल्सो प्लेज सम ऑफ द स्पोर्ट्स दैन शी इज़ द कैनोस्ट का मतलब वाटर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स खेलती है वो एंड वो पहले भी एशियन गेम्स जो कि प्रीवियस ईयर में हो चुका है चाइना में वो उसकी भी ज्यूड़ी मेंबर थी ठीक है उसका स्पोर्ट का नाम याद रखना है एंड वो ज्यूड़ी मेंबर इस साल होने वाली है समर ओलंपिक्स इन पेरिस की लेकिन वो पहले भी एशियन गेम्स की ज्यूड़ी मेंबर हो चुकी है जो कि प्रीवियस ईयर में हुआ था इन चाइना उसकी ज्यूडी मेंबर हो चुकी है मीर नाम याद रखना है ठीक है नेक्स्ट वी हैव उस बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज छात्र दिवस छत्र दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास इनमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है डेट इज उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ठीक है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के बर्थ एनिवर्सरी में छात्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा कौन है ही इज नोन एज पोडोफा पोडोफा का मतलब होता है फादर और दार्डियन ऑफ द बोरोस उन्होंने uh, उनको जो ये टाइटल मिला है ही वर्क फॉर द बोरो कम्युनिटी उनका लीडरशिप था एंड ही हैड अ एडवांस्ड विजन ठीक है फॉर बोरो कम्युनिटी ठीक है अभी अभी हमने देखा कि बोरो कम्युनिटी इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ठीक है एंड ही वर्क फॉर दैट ट्राइबल ग्रुप इसलिए उनको बोडोफा बोला जाता है ठीक है ही इज अ बोडो एक्टिविस्ट उपेंद्रनाथ ब्रह्मा उनके बर्थडे को ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट ये थोड़ा पहले का न्यूज हो गया ठीक है मार्च थर्टी फर्स्ट को उनका बर्थडे आता है एंड उसी दिन छात्र दिवस स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में ठीक है तो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है यहाँ पर इसको देखिए असम सीएम हमारे जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं उन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बरियल ग्राउंड अंडर द स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उपेंद्र ब्रह्मा जी का जो बड़ियल ग्राउंड है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए दस करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा ठीक है ही लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर दैट कब सेलिब्रेट किया जाता है थर्टी फर्स्ट मार्च को क्या, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है छात्र दिवस ठीक है याद रखना है इन सभी चीजों को और उनका नाम उपेंद्र ब्रह्मा ब्रह्म ठीक है नाम से याद रखना है किसने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करना है गवर्नमेंट ऑफ आसाम छात्र दिवस 2023 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ठीक है फ्रॉम द लास्ट ईयर इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर नेशनल मैरीटाइम डे अभी अभी हमने देखा था कि नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है फिफ्थ ऑफ अप्रैल ऑन फिफ्थ ऑफ अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है तो इस फिफ्थ अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो तो भी हम अभी देखने वाले हैं नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल फिफ्थ कहाँ पर इंडिया में ठीक है ओके नाउ वी हैव मार्च थर्टी से लेकर अप्रैल फाइव तक मर्चेंट नेवी वीक सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है मार्च थर्टी से लेकर अप्रैल फाइव तक पूरा वीक मर्चेंट नेवी वीक के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है एंड इस लास्ट डे को मतलब अप्रैल फाइव को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है ये कब से स्टार्ट हुआ इस डे को सेलिब्रेट करना फ्रॉम 1964 कब से 1964 से ओके okay. तो इसी दिन को क्यों चुना गया सेलिब्रेट करने के लिए बिकॉज इस दिन ही हमारा जो फर्स्ट इंडियन ओन्ड शिप है ठीक है हमारा पहला इंडियन ओन्ड एसएस लॉयल्टी जिसका नाम है दिस सेल फ्रॉम मुंबई टू लंदन ओके मुंबई टू लंदन सेल करके गया था अप्रैल फाइव को ही इन 1919 ठीक है इस वजह से अप्रैल फिफ्थ को नेशनल मैरीटाइम डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है कौन सेलिब्रेट करते हैं या फिर इनिशिएट किसने किया था ये सेलिब्रेशन को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अभी आपका होमवर्क और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अभी आंसर बताएंगे हु इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग ठीक है तो पहला इंडियन ओन शिप का नाम क्या है एसेस लॉयल्टी यहाँ पर देखिए दिस इज पिक्चर ऑफ एसेस लॉयल्टी यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी शिप का मतलब पूरा इंडियन ओन्ड शिप है ये एस लॉयल्टी, रॉयल्टी ठीक है चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है अभी अभी हमने जस्ट किया है ये पार्ट तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो आंसर कीजिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेवेंथ अप्रैल, ठीक है वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल सेवन को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे देखिए सात सात अप्रैल एंड हेल्थ अगर साथ देगा तो हम खुश रह सकेंगे ठीक है तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि हेल्थ ने साथ दिया तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं तो सेलिब्रेट भी कब किया जाता है साथ को ठीक है ऐसे कुछ आ, आप लोग रिलेट करके uh, सीख सकते हैं इसको ठीक है या फिर याद रख सकते हैं नेक्स्ट वी हैव सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल सेवन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल सेवन को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ये फॉर्म हुआ था इन 1948 ऑन सेवेंथ अप्रैल ठीक है सेवेंथ अप्रैल को 1948 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था इस वजह से अप्रैल सेवन्थ को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है तो इस साल का जो थीम था वो है माई हेल्थ माई राइट ठीक है मेरा हेल्थ मेरा राइट right. ये याद रखना है हर साल अलग अलग थीम से सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को तो इस वजह से तो प्रॉपरली याद रखना है ठीक है ओके तो हमने कवर कर लिया है वीकली करेंट अफेयर्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ अप्रैल ठीक है आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड दिस क्लास वॉज नॉलेजेबल फॉर यू टू स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू सो मच बाय बाय